हम दोनों के लिए अभी पापड़ी चाट बन रहा है, तो भैया इसमें क्या क्या दिए? इसमें अभी पापड़ी डाले और इसमें आप छोला डालेंगे। नमस्ते दोस्तों, तो चलिए आज को हम दोनों जल्दी जल्दी रेडी हो गए हैं और कहाँ जाने वाले हैं आप लोगों को बताएंगे, ठीक है? तो चलिए उससे पहले आप लोग कैसे हैं, तो आशा करते हैं कि हम दोनों आशा करते हैं कि आप लोग अपने प्यार से जिंदगी में खुश मस्त एंड स्वस्थ होंगे। तो चलिए आप लोग देख पा रहे हैं अभी अंजलि जी भी कितना मतलब सज धज हो गई है, रेडी हो गई, हम भी जल्दी जल्दी रेडी हो गए हैं। तो दरअसल आज को हम दोनों जाने वाले हैं बाज़ार, ठीक है? और बाज़ार किस लिए जाने वाले हैं चलिए आप लोगों को बताएंगे। बाज़ार इसलिए जाने वाले हैं कि अंजलि जी को मतलब चाट खाना था ना, और इनको बहुत ही पसंद है और बहुत दिन से हम दोनों मतलब एक साथ बाज़ार नहीं गए हैं, हम गए हैं आए हैं, ठीक है? और इसीलिए चलिए आज को अंजलि जी के साथ जा रहे हैं और वो भी चाट खाने के लिए, ठीक है? तो चलिए हम लोगों का बाज़ार जाएंगे, आप लोगों को ब्लॉग वीडियो में दिखाएंगे और आप लोगों से बस यही आशा है कि आप लोग ब्लॉग वीडियो पर बना रहिएगा और वहाँ जाके आप लोगों को दिखाने का कोशिश करेंगे किस तरह मिलता है हम लोगों का इधर, ठीक है? और चलिए तब तक आप लोग ब्लॉग वीडियो पर बना रहिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आप में से कोई इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए चलते हैं। और ये दोस्तों अभी घर से निकल गए हैं, रास्ते पर हैं, और हम लोगों का यहाँ से मतलब घर से 4 किलोमीटर लगभग जामतारा बाज़ार है, ठीक है? तो रास्ते में थोड़ा रुक गए हैं, तो चलिए यहाँ से निकलते हैं। देखिए इधर पूरा है रास्ता, तो चलिए आप लोगों को थोड़ा सा दिखाएंगे। इस साइड में खाली पेड़ लगा हुआ है, पूरा है हरा भरा, ठीक है? तो चलिए चलिए यहाँ हम दोनों जामतारा पहुँच गए हैं और जामतारा से ये सुभाष चौक के पास में है, इधर में देखिए इधर में सुभाष चौक है, ठीक है? तो यहीं पर एक ATM है, तो इसी से अभी थोड़ा सा पैसा निकालेंगे, ठीक है? और इधर में खड़ी है और इधर में कुछ बैग बेच रहा है, इधर दिख रहा है, चलिए जल्दी से पैसा निकालते हैं और हम दोनों से बात करते हैं, ठीक है? चलिए आप लोग वीडियो को बना लीजिए, वस्तु आप लोग को दिखा देते हैं, जिससे इधर में है, ठीक है? दुकान शॉप है और ये बगल में ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है? और वहाँ एक चाट दुकान है, तो यहाँ हम दोनों नहीं खाएंगे, ठीक है? क्योंकि हम लोग जहाँ पर खाते हैं वहीं पर जाएंगे, ठीक है? और वहाँ बहुत ही बढ़िया मिलता है, ठीक है? तो चलिए आप लोग थोड़ा वीडियो पर बना लिए, तब तक निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों हम दोनों फाइनली पहुंच गए हैं जहां पर हम लोग चाट वाट खाते थे, ठीक है? यहां पर आप लोग देख सकते हैं चाट का घेरा लगा हुआ है और इधर में खड़ी हुई है, ठीक है? और ये आप लोगों का ये क्या बोलते हैं टावर चौक के पास है, और इधर में आप लोग देख सकते हैं ये चिल्ड्रेन पार्क है, ठीक है? चिल्ड्रेन पार्क था तो अभी लगभग बंद हो गया, तो इसका बगल में है एक चाट का घेरा लगाता है भैया, और बहुत ही अच्छा बनाता है, ठीक है? और बस यहीं पर हम सब खाते हैं और इसी जगह आज को फिर से आए हुए हैं, ठीक है? तो चलिए भैया बना रहे हैं, ठीक है? बहुत भीड़ है, तो हम दोनों भी ऑर्डर दिए हैं बनाने के लिए, ठीक है? तो चलिए तब तक बढ़ रहा है हम दोनों के लिए, तब तक हम दोनों अभी देख जाते हैं। यहाँ पर यह थोड़ा सा देख लीजिए घाट है, ये गुपचुप है, तो देखिए भैया किस तरह बना रहे हैं। और यहाँ काफ़ी भीड़ लगा रहता है हमेशा, देखिए इधर इमली का पानी ये सब है, ठीक है? तो चलिए वेट करते हैं। हम दोनों के लिए अभी पापड़ी चाट
बन रहा है। तो भैया इसमें क्या क्या दिए? इसमें अभी पापड़ी डाले हाँ, और इसमें आप छोला डालेंगे उसके बाद सब मसाला मारेंगे। हाँ, मसाला मार के डाल के ठीक है। तो चलिए आप लोग देखिए किस तरह भैया किस तरह बनाते हैं। और हम लोग यहीं पर आते हैं और यहाँ का चाट बहुत ही टेस्ट है, पूरा बाज़ार में इस तरह मतलब नहीं मिलता होगा शायद, हम लोगों को तो नहीं अच्छा लगता दूसरे जगह, तो इसीलिए यहीं पर आते हैं। ठीक है, बाज़ार उधर भी बहुत सा चाट दुकान लगा हुआ, बहुत ही भीड़ रहता है, यहाँ भैया का पास भी बहुत ही भीड़ रहता है। तो देखिए ये कौन कौन सा मसाला है, कौन कौन सा मसाला डाले इसमें? इसमें जीरा पाउडर है, धनिया हाँ, पाउडर है, नमक है हाँ, और मिर्चा गुंडी है। तो चलिए बहुत ही टेस्ट लगता है, तो चलिए हम दोनों भी जल्दी जल्दी इसका खा लेते हैं। और थोड़ा सा भैया बोल दीजिए आपका क्या बोलते हैं, ये मदन चाट स्टॉल है हाँ, और चिल्ड्रन पार्क, चिल्ड्रन पार्क का सामने इस साइड में। अरे पानी। तो अगर आप लोग भी खाना चाहेंगे तो एक बार यहाँ पर जरूर एक बार आके खा के टेस्ट कर लीजिएगा किस तरह लगता है भैया का चाट। चलिए जरूर एक बार आइएगा। तो हम दोनों का चाट यहाँ रेडी हो गया है। ठीक है। और ये अंजलि जी भी बहुत खुश, इनको बहुत ही पसंद है। ठीक है, तो चलिए खा लेते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि टेस्ट कैसा था। चलिए यहाँ अंजलि जी टेस्ट कर रही है आज का चाट किस तरह लग रहा है, कैसा लग रहा है। चाट कैसा लग रहा है वो भी हाँ हाँ भैया जी, इसमें दही नहीं मिला है? दही दे। चलिए यहाँ दही भूल गए थे भैया जी वीडियो के चक्कर में। ठीक है, तो चलिए फिर से ये दही कैसा लग रहा है? यहाँ का बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, तो हम भी खा लेते हैं जल्दी से तब तक। हाँ चलिए देखिए अंजलि जी और एक प्लेट बोरियल लेंगे। तो चलिए जल्दी से खत्म कीजिए तब ना। तो आप लोग ब्लॉग वीडियो पर बना रहिए तब तक हम भी खा लेते हैं। और अभी तक इस वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्दी सा कर लीजिए। ठीक है, और तब तक आप लोग ब्लॉग वीडियो पर बना देंगे। तो चलिए दोस्तों अभी ख़त्म हो गया अंजलि जी का, और ये बोल रही कि फिर से एक प्लेट लेगी। तो अभी वुमेन जिसका मूड चेंज हो गया तो सोचा कि सूखा वाला गुपचुप खाएगी। तो चलिए भैया को बोलते हैं सूखा वाला गुपचुप बनाने के लिए। और अभी फिलहाल काफ़ी दिन बात आए हैं तो किस तरह दे रहे हैं भैया गुपचुप सूखा वाला? ठीक है, खाने में तो मजाक कर रही है, मतलब खाने में इतना टेस्ट मज़ा आया तो सोचे कि गुपचुप भी खा के देखिए। ठीक है, तो चलिए भैया को बोलते हैं थोड़ा सा गुपचुप बना दें, सूखा वाला सूखा वाला बना दीजिए थोड़ा सा गुपचुप। दो जगह हम नहीं कहेंगे, पेट भर गया एक ही जगह। ये कर दीजिएगा दिया से दीदी लेकिन पीने वाला पानी रखे ना हाँ, सील बोतल है। तो चलिए यहाँ भैया के पास सील बोतल पानी भी रखा है। अभी गुपचुप किस तरह दे रहे हैं? दस का पाँच ना। ये जो हो रहा है ये आपका स्पेशल पापड़ी हो रहा है, स्पेशल पापड़ी। तो चलिए आप लोग यहाँ पर देखिए, ये मारवाड़ी भाषा में हो गया धर्मा गुपचुप। धर्मा गुपचुप ना।
चलिए बहुत बढ़िया। इसका और एक नाम है दही पूड़ी। दही पूड़ी ना, इसी को बोला जाता है, इसी को बोला जाता है। तो चलिए एक इसमें सात मसाला पड़ता है। थोड़ा नाम बोल दीजिए कि क्या क्या डालें इसमें। मसाला सब जितना मसाला चाट में डाले इतना मसाला इसमें भी डालना पड़ता है। लेकिन पानी वाला से बहुत बढ़िया बना ना ये पानी वाला से। जो पानी वाला एक खाएगा ये पानी वाला तीन को खाएगा तो ये एक को खाएगा। अंतर अंतर है, बहुत अंतर है। तो चलिए टेस्ट कर लेते हैं ये भी, इतना सारा कौन खा पाएगा जी। ठीक है, सेल्फी लेंगे, थोड़ा सा सेल्फी ले लेते हैं, इसके बाद आप लोगों को टेस्ट बताते हैं। चलिए दोस्तों खा लिए हैं, तो इतना अच्छा टेस्ट लग रहा है, बहुत बढ़िया। जिस तरह भैया बोले वो तीन खाइएगा आई एक खाइएगा, इतना मज़ा आ रहा है। और एक अंजलि जी ने दी, बहुत ही टेस्ट, मज़ा आ गया। काम भी होने लगा, जल्दी जल्दी जाऊँगा योग काम में होने लगा। पांच वीडियो भी बनाना है, ठीक है। देखिए वीडियो में किस तरह क्या क्या डाले, कितना मेहनत से बनाया और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा। तो चलिए आज का ब्लॉग वीडियो बस यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो अभी हम दोनों घर जाएंगे, ठीक है। तो भैया तो बाय। तो चलिए दोस्तों अभी यहाँ पर इधर में गाड़ी रखा हुआ है और यहाँ पे अभी घर जाएंगे और जल्दी सा उधर में एक दो को फोट वोट बना लेंगे, ठीक है। उधर दिख रहा है कि नहीं। तो चलिए आज का ब्लॉग वीडियो आप लोगों को किस तरह लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, और आप में से कोई अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का ब्लॉग वीडियो बस इसी तरह। तो आप लोगों को लास्ट में बस यही कहना चाहेंगे कि आप लोग मत करिए, बिंदास रहिए और पवन अंजलि यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करते रहिए। चलिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।